आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहता है, अगर वो डरता रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। रिस्क नहीं लेना चाहता इंसान, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। वो डरता है कहीं फेल हो गया तो, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो, लोग कहेंगे मैं पागल हूं, ऐसे ऐसे फियर उसके माइंड में होते हैं। तो एक सफल और एक असफल इंसान में एक ही फर्क होता है कि फियर का मीनिंग दोनों के लिए अलग है। फियर का मीनिंग FEAR, फियर का मीनिंग एक असफल इंसान के लिए होता है कि वो भाग जाना चाहता है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। वो क्या करेगा? फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, FEAR, सोचकर फियर का ये मतलब है, और भाग जाएगा परिस्थिति से, उसको फेस नहीं करेगा। लेकिन एक जो सफल इंसान है उसके लिए फियर का मीनिंग ही अलग है। उसका मीनिंग है फेस एवरीथिंग एंड राइज। फेस करेगा और राइज होगा, ऊपर जाएगा। जैसे कि एक बार होता यह है कि स्वामी विवेकानंद जी रास्ते से जा रहे थे, उनको बंदरों से बड़ा डर लगता था, तो जब भी बंदर कहीं आसपास भी दिखते तो वे यहाँ वहाँ दौड़ने लगते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि हमेशा वो दौड़ते रहते तो बंदर भी उनके पीछे पीछे और ज़्यादा दौड़ते और ज़्यादा दौड़ते। उनका तो हम खास पीछा करते बिकॉज वो दौड़ रहे हैं। इतनी देर में दूर उनको एक साधु जी मिलते हैं, संत महात्मा मिलते हैं। वो कहते हैं बेटा भाग मत, रुक जा, सामना कर और देख वो भाग जाएंगे। तो उनको एक बात अंदर से लगा कि एक बार तो ट्राई करना चाहिए। इतने दिन भाग भाग कर, डर डर कर मैंने ज़िंदगी तो काट ली, आज मैं फेस करके देखता हूँ होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे काट लेंगे। तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं और बंदरों के पीछे भागते हैं। और जैसे ही बंदरों के पीछे भागते हैं, बंदर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। तो यही एक सिद्धांत है कि डर का सामना करो, उसको फेस करो और उसके द्वारा राइज करो अपनी ज़िंदगी में। अगर डर लगा है तो डरने की बात नहीं है कि आपको लग रहा है कि भाई मुझे डर लगता है, मैं कितना कमज़ोर हूँ। भाई डर तो शेर को भी लगता है कि जब इंसान और शेर आमने सामने आते हैं, डर दोनों को लगता है। लेकिन सिर्फ शेर ज़्यादा ताकतवर इसीलिए है बिकॉज वो अपने डर पर बहुत जल्दी काबू पा लेता है। तो डर होना गलत नहीं, लेकिन उस डर पर जल्द से जल्द काबू पाना और परिस्थिति पर अपना काबू पाना ये आवश्यक है। तो डरना नहीं है परिस्थिति से। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर बहुत सारा डर था। जब मैं यहाँ पर आया और जब यहाँ पर इतना मैं मोटिवेट हुआ कि पूछो मत, मैं अभी तक जिंदगी में कभी नहीं नाचा। मैं अभी अपनी खुद की बात बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर आके जैसी है अपने सोनिया मैडम, हमारे गुरुजी यहाँ पर जैसे ही नाचे, हमको इतनी मतलब जोश आ गया कि हम खुद भी नाचने लगे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में ऐसे ही नाचते रहे, खेलते रहे, कूदते रहे, बढ़िया मौज मस्ती करे और जिंदगी का मजा पूरा ले। थैंक यू सोनिया मैडम।